सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी है। अम्बाला में जिला बाल संरक्षण विभाग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने खंड शिक्षा अधिकारियों से मीटिंग की, जिसमें शिक्षा विभाग को एक हफ्ते का समय दिया गया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सारे मापदंड पूरे करे, अन्यथा हेडक्वार्टर पर इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। बाल संरक्षण अधिकारी का कहना है कि इससे पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी व स्कूल कभी गंभीर नहीं दिखे, जिसको देखकर अब एक हफ्ते का समय दिया गया है। गुरुग्राम रैन स्कूल में छात्र की मौत, कई सवाल तो खड़े कर ही गई, लेकिन आगे किसी के साथ उक्त छात्र जैसा ना हो, इसको लेकर सरकार व प्रशासन अभिभावकों को अलर्ट जरूर कर गई, जिसको देखते हुए अब प्रशासन ने स्कूल पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। आज जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की और डीओ की जो है वो मीटिंग ली है। स्कूलों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, अक्सर जब भी हमारी टीम स्कूल में विजिट करने जाती थी तो हमें बहुत सी कमियां ऐसे मिलती थी जो स्कूल जो है वो पूरा नहीं कर पाए अब तक। तो हमने इनको लिखित में भी कई बार जो है शिक्षा विभाग को लिखा है, परंतु अब तक इनकी तरफ से हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। आज हमने इस मीटिंग में इनको एक हफ्ते का टाइम दिया है कि जो भी हमारे एजेंडा के पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करके हमें एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करें। जैसे बच्चों के, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो हमने मोस्टली स्कूलों में देखा कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी डिस्प्ले नहीं है 1098। तो हमने इनको इंश्योर करने के लिए कहा है, और फर्स्ट एड किट है वो जरूर इंश्योर करें, क्योंकि फर्स्ट एड किट में जो है ज़्यादातर हमने मीटिंग्स में विजिट्स में यही देखते थे कि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ जो हैं वो हमें मिलती थी। और एक हमने इनको हिदायत दी है कि अपने स्कूलों के आसपास, चाहे वो सरकारी स्कूल है गैर सरकारी स्कूल है, 150 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका ना हो, इसकी रिपोर्ट भी हमने इनको एक हफ्ते के अंदर इनसे मांगी है। दूसरा, हमने इनको एक बच्चों को चाइल्ड फ्रेंडली माहौल देने के लिए बाल समूह निर्माण करने का जो है वो सुझाव दिया है कि बाल समूह जो है वो निर्माण किया जाए, बाल समूहों का, और उसमें लड़के और लड़कियों दोनों की बातों को जो है वो तवज्जो दिया जाए। मोस्टली बालिका मंच तो सभी स्कूल्स कर रहे हैं, लेकिन लड़के अपनी बात कहीं पे नहीं कह पाते, तो लड़कों का अलग से और लड़कियों का अलग से एक समूह बनाने की हमने इनको सुझाव दिए। अम्बाला से राजीव कोचर की रिपोर्ट, न्यूज 18। हर खबर पर पहली नजर रखने के लिए न्यूज 18 न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।